शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की। बता दें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यालय में कोरोना की एंट्री हो गई है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल के अतिरिक्त प्रधान सचिव अमित अग्रवाल कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। सीएम के मुख्य सचिव विजय वर्धन भी कोरोना पॉजिटिव हैं। मुख्यमंत्री के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी डीएस जेसी को भी कोरोना हो गया है। तो ये बड़ी खबर दे रहे हैं आपको, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यालय में कोरोना की एंट्री एक बार फिर से। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इससे पहले भी जब कोरोना की लहर चली थी हरियाणा में, उस वक्त भी कई अधिकारी जुड़े हुए मुख्यमंत्री कार्यालय से कोरोना संक्रमित पाए गए थे। और एक बार फिर से सीएम के मुख्य सचिव विजय वर्धन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कुछ और अधिकारी अब कोरोना पॉजिटिव एक बार फिर से हो गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यालय में एक बार फिर से कोरोना की दस्तक। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल के अतिरिक्त प्रधान सचिव अमित अग्रवाल की रिपोर्ट कोरोना की पॉजिटिव आई है। सीएम के मुख्य सचिव विजय वर्धन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सीएम मनोहर लाल के कार्यालय में कोरोना की एंट्री। सीएम के मुख्य सचिव विजय वर्धन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया है। ट्रेस किया जा रहा है उन लोगों को जो कि संपर्क में आए थे इन दोनों ही अधिकारियों के, उन सभी की कोरोना की जांच अब की जाएगी। और इस पर मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ विनोद लांबा चंडीगढ़ से सीधे जुड़ गए हमारे संवाददाता। विनोद, एक बार फिर से मुख्यमंत्री कार्यालय कोरोना की चपेट में, चूंकि जब कोरोना की लहर पहले चली थी तो उस वक्त भी कई अधिकारियों को कोरोना हो गया था, अब एक बार फिर से दो लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। देखिए, निश्चित तौर पर अगर कोरोना की बात की जाए, हरियाणा में बड़े अधिकारी भी इस कोरोना की चपेट में आते हुए नजर आ रहे हैं और पहले से ही कुछ अधिकारी कोरोना पॉजिटिव थे। और कल आई जानकारी के मुताबिक, कल देर शाम तक जो जानकारी आई है उसमें मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव अमित अग्रवाल और मुख्य सचिव विजय वर्धन को भी कोरोना हो चुका है। इससे पहले चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी डीएसडीसी और सीआईडी चीफ आलोक मित्तल को भी कोरोना हो चुका है। मुख्यमंत्री के पॉलिटिकल एडवाइजर अजय गौड भी कोरोना संक्रमित हैं और सचिव निजी सचिव अभिमन्यु भी कोरोना पॉजिटिव चल रहे हैं। और मुख्यमंत्री कार्यालय में कोरोना के बढ़ते मामलों में उनके मुख्यमंत्री के जो पीए हैं तेजपाल, वो भी कोरोना पॉजिटिव हैं। देशराज और दामोदर कुक भी कहीं ना कहीं कोरोना पॉजिटिव हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि 7 से 8 छोटे से लेकर बड़े स्तर के भी अधिकारी और मुख्य सचिव लेवल के अधिकारी भी चीफ मिनिस्टर ऑफिस में कोरोना पॉजिटिव हैं। ये बताता है कि किस तरह से हरियाणा में लगातार कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है और मुख्यमंत्री कार्यालय और वरिष्ठ अधिकारी भी अगर इसे अछूते नहीं है तो कहीं ना कहीं फिर दोबारा से इस कोरोना के खतरे को गंभीरता से लेने की जरूरत है। बिल्कुल, संपर्क में कौन कौन आया था, क्या ये भी पूरा जो हिस्ट्री है वो ट्रेस की जाएगी, उन सभी लोगों की कोरोना की जांच होगी। विनोद, निश्चित तौर पर कुछ अधिकारियों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव भी आई है और इसमें चीफ मिनिस्टर ऑफिस के भी कुछ अधिकारी हैं। और संपर्क की बात है तो संपर्क की लिस्ट बहुत लंबी जाएगी, क्योंकि आपको याद होगा अभी कुछ दिनों पहले ही जिस तरह से सेशन चल रहा था, हरियाणा बजट सेशन चल रहा था, तमाम अधिकारी और मुख्यमंत्री के जो स्टाफ के जो तमाम अधिकारी हैं लगातार संपर्क में थे। मुख्यमंत्री के अलावा बाकी लोगों के भी संपर्क में रहे और जिस तरह से मैंने बजट सेशन का जिक्र किया वहां इन तमाम अधिकारियों का जाना था और उसके अलावा मुख्यमंत्री आवास पर भी इन अधिकारियों को जाना था। हालांकि मुख्यमंत्री खुद एक बार कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और जो जानकारी है अभी, हालांकि आधिकारिक रूप से यह नहीं बताया गया कि मुख्यमंत्री कोरोना की डोज लेंगे या नहीं लेंगे, कुछ बड़े नेताओं ने मंत्रियों ने जरूर कोरोना की जो डोज है कोरोना वैक्सीन लगवाई है, लेकिन मुख्यमंत्री की एंटीबॉडी, अनिल विज की एंटीबॉडी ज्यादा बताई जा रही है क्योंकि कोरोना पॉजिटिव हो चुके थे दो बड़े मंत्री सरकार के और खासतौर से मुख्यमंत्री, तो वैक्सीनेशन को लेकर जानकारी नहीं है। संपर्क की लिस्ट निश्चित तौर पर बड़ी होगी क्योंकि हम बात कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर ऑफिस की। बिल्कुल, इससे पहले कल मुख्यमंत्री को हमने कहते सुना था कि अध्ययन किया जा रहा है अभी बढ़ते कारणों का, क्योंकि तेजी के साथ देश भर में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, हरियाणा भी इससे अछूता नहीं है। त्योहारों का भी सीजन है, अभी होली आएगी फिर नवरात्रों की शुरुआत होगी, संक्रमण बहुत ज्यादा ना फैले, मुख्यमंत्री कार्यालय तक कोरोना पहुंच चुका है, कई अधिकारी इसकी चपेट में, क्या माना जाए कि सरकार आगे आने वाले दिनों में कोई बड़ा फैसला ले सकती है?
देखिए अभी तक किसी तरह से लॉकडाउन के या फिर कहें नाइट कर्फ्यू का कोई आसार नजर नहीं आते हैं। मुख्यमंत्री से सीधा सवाल कल पूछा गया था, उनका साफ तौर पर कहना था कि 31 मार्च तक हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। और त्योहारों को लेकर जब उनसे पूछा गया कि क्या कोई नई SOP या कोई नई गाइडलाइंस जारी की जा सकती है, तो उसको लेकर सीधा जवाब यही था कि 31 मार्च तक पूरी सिचुएशन को एक तरह से अध्ययन किया जा रहा है और उसके बाद कोई स्टेप लिए जाएंगे। त्योहारों को लेकर सीधे तौर पर कोई मनाही नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री कल अपील करते हुए नजर आए थे। और ये महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री की अपील पर राजनीतिक दलों के जो तमाम प्रतिनिधि हैं, चाहे सत्ताधारी पार्टी के हों, संगठन के हों या फिर JJP के हों, वो कितना सचेत होते हैं। होली मिलन के समारोह नहीं रुक रहे हैं और होली मिलन के समारोह में आप देखते हैं कि किस तरह से तमाम भीड़ भी नजर आती है। कोई मंत्री नगाड़े बजा रहा है, कोई होली मिलन कर रहा है, तो ये चीजें भी ध्यान देने वाली बात है कि अगर सरकार से जुड़े हुए लोग और वरिष्ठ पदों पर बैठे हुए लोग ही एक उदाहरण पेश नहीं करेंगे तो आम जनता तक मैसेज कैसे जाएगा। ठीक, आपका शुक्रिया विनोद इस पर जानकारी देने के लिए।